अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं अज आया हुआ एक डेरे ते। इत्थे डेरे दा विजिट करदे पए आं ते इत्थे दे वाह वाह जानवर बन्ने हुए ने ते चैक करदे आं की माहौल शौल है। माशाल्लाह इत्थे मझां ते गावां रल के पट्ठे खाण डईआं ने, बड़ी गल है। मझां तुसीं देख रहे हो, यह बड़ियां नस्ली मझां ने। ए नीली रावी दियां मझां ने, एक वलैतन गां भी है। बाकी माशाल्लाह चारा भी अच्छा पाया होया है ते बनियां बड़े स्टाइल दे नाल ने। देखो माशाल्लाह मझां भी सोहणियां ने, बड़ी खिदमत करदे ने लगदे बंदे। डेरा शेरा भी चंगा बनया होया है। एक कटे भी हैगे ने नाल, कटियां भी ने। बरकफ एक काम बड़ा ज़बरदस्त है, जिहड़ा बंदा करना चाहे ना, वेले रहन नालों यह काम बड़ा फिट है। वेले दे वेले सवेरे सवेरे पट्ठे वड्डो, फिर सारा दिन सोमो पै के ते 2-3 बजे धारां चो दूजी नूं दिओ ते ऐन ताज़े फ्रैश पैसे आंदे ने। बरकफ काम बड़ा ज़बरदस्त है। यह उन्हां दे कट्टे ने मझां दे ते यह तकरीबन साल तो उत्ते उत्ते हो गए ने ते दोबारा भी सौन वालियां ने। तो इन्हां दे माशाल्लाह काफ़ी इनकम भी दिंदियां पईआं ने। बाकी जानवरों विच तो वैसे भी फायदा हुंदा है, लेकिन बंदा करन वाला होवे। माशाल्लाह बड़ा सोहना डेरा बनया होया है, बड़ा वी आई पी निज़ाम है। अजकल तो मुश्किल ही कोई नहीं है, मक्की दे इन्ने हाईब्रिड बी आए हुए ने, बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। जवा भी जो भी हाईब्रिड आया होया है, ऐ माशाल्लाह मज सूई है उन्हें कट्टी दिती है, बड़ी सोहनी कट्टी है। तो दुध भी माशाल्लाह एक टाइम का तकरीबन 6 से 7 गड़वियां दुध एक टाइम का कर दी, 2 थणा जो तो 2 थण कट्टी चंगा कट्टी चंगा दे ही देने। तो 1 महीने बाद फिर 3 थण चोवेंगे, फिर हौली हौली इन चढ़ा देवे जो पट छटे खाने लग पी। बाकी तुम माहौल सारा वेख लिया है, तो जेड़े भरा वेले ने ना चुप करके 1-2 डंगर रख लैन ते हौली हौली नाले बिजनेस का बिजनेस है, नाले वेले दे वेले डेरादारी भी बन जाए दी। निज़ाम भी वी आई पी है, एक अद्धी गां भी रखी हुई है नाल वलैतन। माशाल्लाह गां भी बड़ी सोहनी है। बाकी डेरेदारी का निज़ाम जड़ा है बड़ा सोहना चल रहा। होर सुनाओ, सही है। होर दोस्तों तुसी सुनाओ, कोई काम शाम करो, वेले ना फिरया करो। ते वैसे यार डंगर वाली जी बचत है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे बचत है। अगर बंदा ये तो कोई ऐसा वह भी नहीं करना पैंदा, भी समझने वाली गल भी कोई नहीं, पाने तो पट्ठे ही ने, कोई डिप्लोमा करना पैंदा है। तो पट्ठे शट्ठे वड्डो अपना, सवेरे सवेरे उठ के मुड़ के अपना यारां बेलियां को तुर फिर भी आओ ते आ के पट्ठे शट्ठे पाओ, खुरलियां भर दियो, फिर खांदियां रहणगियां, फिर तुसीं अपना दुध शुद्ध जो चाहुणा होवे। ऐ माशाल्लाह मझ साडी है प्योर नीली रावी दी मझ है, ऐ जिहड़ी तुसीं देख रहे हो। ये जिद्दों सुंदी है माशाल्लाह 8 गर्वियां पहला महीना, तो मुड़ के महीने तो बाद तकरीबन 11 से 12 गड़वियां दुध एक टाइम दिंदी है। माशाल्लाह ये बड़ी नस्लदार मझ है। मझा सारिया सोहनिया ने, लेकिन ये मझ जी है ना, ये बड़ी आला क्वालिटी की मझ है। तो बाकी माशाल्लाह निज़ाम जरा ना थोड़े थोड़े नाल जरा सिस्टम ज़्यादा होंगे। हम तुम कहो कि यकदम 10-20 मझा बन लीए, एवं तो निज़ाम नहीं ना चलता। कोई एक अद्धी मझ लै लेंदा बंदा, जिस वीर भरा को मुल लैन की भी गुंजाइश नहीं हैगी, दिहाड़े तो लै लेवे एक अद्धी माझी या गां, कुछ साल 2 रखेगा वह, फिर अगों फल शल वे हो जाएंगे, समझ आई ना, फिर वो अपनी हो जाएगी। ऐसा ऐसा निज़ाम चल जाता है। तो जिंदे को थोड़ी बहुत गुंजाइश हैगी है, वह अपना मुल लै के एक अद्धी मझ तो निज़ाम चला सकता है। एक अद्धी मझ लवो, उस तो बाद फिर 2 हो जाएगियाँ, फिर नाले घर का सर्कट भी थोड़ा चलता रहता है, दुध शुद्ध भी हो जाता। अजकल थोनों पता तो है जो बाज़ारों दुध लैना कि किनिया को कैमिकल पा रहे हैं,
पता नहीं होंदा, 2 दिनां गाढ़ा होंदा, लेकिन इहदे च इहो जिहा एक पाउडर आया है, उह थोड़ा जिहा मिक्स कर दिओ ते इन्ना संघना हो जांदा है। लेकिन इह जिहड़ा ताज़ा चो के आप पी लैणा है, बच्चिआं नूं पिला लैणा ना, उहदे वर्गी गल कोई नहीं है। ते शहरां विच ते हालात जिहड़े ने तुहाडे सामणे ने, दुध पीण दा नहीं हैगा, दुझ ही लिजांदे ने, पहले रावां च खलो के पानी पाते हैं, फिर जाके अगे फिर तुसी शिकायतां करते हो दुध पतला है, वह फिर कहते हैं जी मझां गर्मी की वजह तो पतला दे रही ने। तो बरकफ हुंदा जिहड़ा माशाल्लाह मझ दा दुध पतला नहीं हुंदा, गां दा तो चलो हुंदा है थोड़ा बहुत पतला, तो बाकी निज़ाम माशाल्लाह जिहड़ा ना थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हुंदा है। तो ए मझ वेखो, ए माशाल्लाह बड़ी सोहनी मझ है, ए चेक करो मझ, प्योर नीली दियां मझां ने, प्योर, समझ आई ना। ए कटियां ने अगों उन्हां दियां, चारा बहुत जबरदस्त चारा, माशाल्लाह देखो कितना आला क्वालिटी का चारा पाया होया उन्होंने, बिल्कुल सावा, देखो कितना जबरदस्त चारा है, मकई का चारा है, मकई का चारा बहुत ज़बरदस्त चारा है। यह देखो यह कट्टी है माशाल्लाह, इन्हें भी साल डेढ़ तक तैयार हो जाना है माशाल्लाह। यह कट्टी देखो, हिरण देखो ना, बड़े ज़बरदस्त स्टेप बनाए हुए ने, जेडे छोटे कट्टे ने अलहदा, जिहड़े उस तो वड्डे ने अलहदा, मझां अलहदा, बड़ा निज़ाम रख्या होया माशाल्लाह। यह कट्टा है माशाल्लाह मझ दा, बहुत ज़बरदस्त कट्टा है, इहनूं तकरीबन 20 दिन होए ने मझ सूई नूं, इह भी माशाल्लाह मझ दा जिहड़ा दुध है ना, 8-9 एक टाइम ते गड़वियां दे रही है, लेकिन अजे हजे तक वो सही तरह ना चारा नहीं खा रही, कोई मसला है, लेकिन जल्दी जड़ा ना दुध वधा जाएगी, जो थोड़ा जिहा पाया ना वंडा वगैरह। बाकी माशाल्लाह मझ देखो, इहदियां अखां वेखो किड़ियां मोटियां मोटियां ने, मझ चेक करो, माशाल्लाह। फिर इन्हां दा बन्नन दा जिहड़ा निज़ाम है, वह बड़ा ज़बरदस्त, जिहड़ा पैरां तों बन्निआ है। ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਰ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਟਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਰਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਹਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਲੈਤਰ ਗਾਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈੜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸੋਹਣੀ ਵੈੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।